अगर आपको ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ट्रिगोमेट्री का पूरा फॉर्मूला याद करवा देंगे। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। देखिए कैसे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा, फिर लिखेंगे कोस थीटा, फिर लिखेंगे टैन थीटा, यहाँ पर लिखिए कोसेक थीटा, फिर लिखेंगे सेक थीटा, फिर लिख लेंगे कोट थीटा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए लिखना है साइन थीटा का फॉर्मूला, तो बराबर देंगे और वन बटा ये वाला लिख लीजिए, लिख लेंगे वो सेक थीटा, ये हो गया साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वन बटा कोसेक थीटा, लेकिन अगर कोसेक का फॉर्मूला लिखना है तो वन बटा क्या लिखेंगे साइन थीटा। समझ में आ गया? वन बटा साइन थीटा। इसी प्रकार अगर कोस थीटा के लिखना है तो वन बटा ये वाला लिखेंगे सेक थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो वन बटा क्या लिखेंगे कोस थीटा, क्या लिख लेंगे कोस थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो वन बटा कोट थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोट थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो वन बटा क्या लिखेंगे टैन थीटा, वन बटा टैन। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखिएगा साइन थीटा का लिखना है तो वन बटा यहाँ वाला कोस थीटा, अगर कोस लिखना है तो वन बटा ये वाला सेक थीटा, टैन के लिखना है वन बटा यहाँ वाला कोट थीटा, वैसे कोसेक के लिखना है तो वन बटा ये वाला साइन थीटा, सेक के लिखना है वन बटा यहाँ वाला कोस थीटा, कोस कोट के लिखना है कोट थीटा तो वन बटा ये वाला टैन थीटा। एक और टैन का फॉर्मूला होता है, टैन थीटा बराबर का होता है, देखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट का भी फॉर्मूला होता है कोट थीटा, ये तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका आप उल्टा कर दीजिए, कोस ऊपर चला जाएगा कोस थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। समझ में आ गया? और फॉर्मूला होता है, देखिए देखिए अब आगे फॉर्मूला देखते हैं। देखिए और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन। समझ में आ गया? अगर हमको केवल साइन स्क्वायर का चाहिए फॉर्मूला तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन, और ये इधर आएगा तो आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। केवल अगर कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा, तो आप लिखिएगा यहाँ से वन माइनस ये वाला जाएगा इधर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन। समझ में आ गया? अब देखिए और आगे फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसको क्या करेंगे सबको साइन से भागा दे दीजिए, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी देंगे भागा साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी दे देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा केवल वन। ये कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कोट स्क्वायर थीटा, क्या कि आप पीछे फॉर्मूला देखे हैं, देखे हैं ना, देखिए यहाँ पे कोट के हम क्या लिखे थे, कोट थीटा बराबर लिखे थे कोस थीटा बटा साइन थीटा लिखे है ना, कोट के फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर होगा, अब दोनों पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो वही वाला यहाँ बन गया। अब देखिए वन बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है वन बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का, आप पीछे देखे है ना कोसेक, कोसेक बराबर क्या होता है, ये होता है वन बटा साइन थीटा होता है ना, तो अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वन बटा साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का। अगर आपको केवल वन रखना है तो वन रख लीजिए और बराबर इधर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। फिर केवल आपको कोट रखना है कोट स्क्वायर थीटा, तो देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से तीन फॉर्मूला निकल गया और तीन यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। फिर इसी को हम किसको, इसी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, इसी को इस बार हम कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा,
तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है टैन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला, प्लस कोस कोस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वन, बराबर वन बटा कोसेक, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है सेक स्क्वायर का, किसका होता है सेक स्क्वायर थीटा का। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको केवल चाहिए टैन स्क्वायर का फॉर्मूला तो टैन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा वन, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। केवल अगर वन का फॉर्मूला चाहिए तो वन बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे एक दो और तीन यहाँ से निकल गया। देखिए आगे और फॉर्मूला देखते हैं, होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कोस थीटा, समझ में आ गया। अब यही वाला कोस को यहाँ लिखेंगे, कोस 90 में से थीटा घटाएंगे तो काम मिल जाएगा मेरा साइन थीटा। फिर टेन 90 में से थीटा घटाइए तो काम मिलेगा कोट थीटा मिलता है। फिर कोट थीटा यहाँ रखेंगे, कोट 90 में से का घटा देंगे थीटा तो काम मिल जाएगा टैन थीटा मिलेगा। फिर सेक 90 माइनस थीटा का होता है कोसेक थीटा, क्या हो जाता है कोसेक थीटा, यहाँ पे रखेंगे कोसेक फिर घटाएंगे 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है।